वरुण धवन और अनुष्का शर्मा स्टारर स्वीट धागा की शूटिंग 14 नवंबर से शुरू होने जा रही है। ये जोड़ी पहली बार साथ में स्क्रीन पर दिखाई देगी। फिल्म को बना रहे हैं दम लगा के हईशा फेम शरद कटारिया। माना जा रहा है कि फिल्म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन से प्रेरित है और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती है एकदम हल्के अंदाज में। फिल्म की सबसे खास बात है अनुष्का और वरुण की लव स्टोरी। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं मनीष शर्मा और यशराज फिल्म्स। फिल्म के बारे में बात करते हुए मनीष ने बताया कि कभी कभी प्यार वहाँ होता है जहाँ आपके सपने और आपकी मंजिल एक होती है। सुई धागा उसी प्यार की कहानी है। हमारे दोनों लीड कैरेक्टर्स आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाते हैं, एक दूसरे की तरफ सम्मान और प्यार महसूस करेंगे। वरुण का मानना है कि फिल्म में उनकी और अनुष्का की केमिस्ट्री शानदार होगी। फिल्म 28 अक्टूबर 2018 को रिलीज हो रही है। वैसे वरुण और अनुष्का दोनों ही बॉक्स ऑफिस के लिहाज से काफी लकी रहे हैं। जहां अनुष्का सुल्तान और पीके के साथ 300 करोड़ क्लब का हिस्सा है, वहीं वरुण धवन ने आज तक कोई फिल्म एवरेज नहीं दी है। ऐसे में इस जोड़ों की स्क्रीन पर एक साथ कमाल करते देखना मजेदार होगा। वरुण अनुष्का के साथ आने वाली फिल्मों की इन एकदम ताजी जोड़ियों पर रहेगी हमारी नजर दैश। शाहिद यामी बत्ती गुल मीटर चालू में शाहिद कपूर एक बिजली चोर बने हैं और यामी गौतम एक वकील। अब यामी शाहिद के हित में लड़ेंगी या उनके खिलाफ, ये देखना दिलचस्प होगा। अक्षय कुमार मौनी रॉय नागिन एक ट्रेस अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड से डेब्यू करने जा रही हैं। करण देओल सहर बाम्ब सनी देओल के बेटे करण देओल और सहर बाम्ब फिल्म पल पल दिल के पास में नजर आएंगे। रणबीर आलिया रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ड्रैगन फिल्म में साथ नजर आएंगे। फिल्म का नाम अब ब्रह्मास्त्र हो चुका है और इसे आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। ईशान जाह्नवी 2018 में सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर के सैराट रीमेक पर। सिद्धार्थ मल्होत्रा रकुल अपप्रीत कौर सिद्धार्थ मल्होत्रा रकुल अपप्रीत कौर फिल्म यारी में साथ नजर आएंगे। फिल्म 9 तारीख को रिलीज हो रही है।